मोहित, हम आपसे अब जानना चाहते हैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट के बारे में, क्या है इसकी खासियत, और जैसा हमने शुरुआत में बोला था कि बैंक डिपॉजिट या बैंक एफडी के पीछे लोग ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, तो कॉर्पोरेट डिपॉजिट ऐसे लोगों के लिए कैसा विकल्प? जी, मुझे लगता है कि हर मायने में कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है स्वाति, वो बैंक डिपॉजिट से एक अच्छा विकल्प है। देखिए, हमने बात की थी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की, जहां पर अगर आपको पता नहीं है कि आपको पैसे कब लगेंगे तो आप शॉर्ट टर्म डेट में पार्क करते हैं, बिकॉज आप जब चाहें जितना चाहें वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर आपको श्योरिटी है कि मुझे एक साल तक पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये दो साल तक बिल्कुल नहीं चाहिए, और मुझे श्योर शॉर्ट रिटर्न चाहिए, तो कॉर्पोरेट डिपॉजिट सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ बैंक डिपॉजिट की तरह बैंक्स की जगह कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो अच्छे रेटेड कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, इस तरह के अच्छे क्वालिटी के हाई रेटेड कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, वो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए बाजार से पैसा उठाते हैं, और इसे कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहलाता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि बैंक डिपॉजिट में आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी होती है एफडीआईसी के रूल्स के अंतर्गत। कॉर्पोरेट डिपॉजिट में आपको इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती, बट अगर आप एक बहुत अच्छे क्वालिटी कॉर्पोरेट के साथ जा रहे हैं तो आपको श्योरिटी है कि उनकी पेडिग्री बहुत अच्छी है और ये कॉर्पोरेट्स काफी सालों से काम कर रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है, आप उनका थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग्स देख सकते हैं, और अगर आप नाम से कंफर्टेबल है तो आप बेझिझक होकर इन कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में जा सकते हैं। अच्छी बात यह है स्वाति कि इसके अंदर में आपको अलग अलग टेनर्स मिलते हैं, आप चाहें तो छोटे टेनर के, 1-3-5 साल तक के टेनर्स के, और जो चाहें वैसा इंटरेस्ट रेट फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, क्यूमुलेटिव। और इसके अंदर में जो बोलते हैं कि आपको विड्रॉल लिक्विडेशन भी बहुत आसान होता है, जैसे आप बैंक एफडी को तोड़ सकते हैं कभी भी, इनको भी आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, तो हर मायने में अच्छा विकल्प है और बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो अगर आप रिटर्न की रेंज देखिए अभी 2 साल के डिपॉजिट्स का, तो नाम मैंने लिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात पूरी कीजिए। हाँ, दो साल का रिटर्न का अगर आप रेंज देखेंगे तो 6-7.5% के आसपास चल रहा है, और सीनियर सिटीजन को इसमें एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता है, कुछ 25 पैसे या 40 पैसे के आसपास, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है, तो बहुत अच्छा विकल्प इंटरेस्ट रेट के मायने। ओके, तो आपने बोला कि एफडी से एक अच्छा बेहतरीन विकल्प कॉर्पोरेट एफडी हो सकता है। बहुत ही संक्षिप्त में, किसी निवेशक को निवेश करने से पहले किसी कॉर्पोरेट डिपॉजिट में किन बातों का ख्याल रखना है? सिर्फ उस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रमोटर्स, उसके मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, कैसे कैश फ्लोज है, किस तरह से डिविडेंड दे रही है। अगर आप वहां पर कन्विंस है, उस नाम से कन्विंस है, तो आप बेझिझक होकर जा सकते हैं।